वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो अभी क्या अभी जस्ट मैं सो कर उठा हूँ यार, और बाहर से मैं अभी घर के बाहर पे आके ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ। तो उसका कारण क्या है ना कि अभी लाइट घर पे नहीं है, और लाइट नहीं है इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हो यार सुबह से क्या मौसम और क्या तेज बारिश हो रही है। मतलब मेरे हाथ में यहाँ तक बारिश की छींटे आ रही है। तो भाई मौसम काफ़ी बढ़िया हो चुका है यार, अब फाइनली प्रॉपर वाला मानसून भी आ चुका है, और सुबह से बारिश हो रही है। मतलब इतना तेज़ बारिश हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, और अभी क्या बारिश भी, यहाँ बारिश का पानी जमना भी शुरू हो चुका है। तो फिलहाल यही सीन है यार, इसलिए मैं बाहर आकर अभी ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ। इतनी बारिश हो रही है ना, मौसम इतना बढ़िया हो चुका है कि क्या बताएं। और देख सकते हो मेरे घर के बाहर पूरा पानी जम चुका है भाई। तो आज था प्लान मैरीन ड्राइव पे जाने का, क्योंकि भाई उसका इनॉग्रेशन हो चुका है और मैं अभी तक वहाँ पे नहीं गया, मगर यार मौसम ऐसा अचानक चेंज हो गया कि मैं कहीं जा भी नहीं सकता। तो फिलहाल अभी इंतज़ार करता हूँ बारिश रुकने का। अगर बारिश रुक गया ना गाइस, तो अभी चलेंगे मैरीन ड्राइव पर और वहाँ एक मस्त राइड लेंगे, क्योंकि उधर का सीन है ना अभी और भी अच्छा हो गया होगा। क्योंकि जस्ट गंगा के बगल से वो रोड गुजरा है, और अभी गंगा में वाटर लेवल भी बढ़ चुका होगा। तो फिलहाल अभी बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं और फिर बाइक लेकर चलते हैं मैरीन ड्राइव की साइड। भाई इधर तो पूरा बाढ़ आ चुका है गाइस, देख सकते हैं पूरा बारिश का पानी रोड पे जम चुका है। तो यार गाइस क्या है ना, अभी बारिश रुक चुकी है भाई, और अभी हम लोग निकल रहे हैं गाइस मरीन ड्राइव के लिए। काफी नाम सुन रहे हैं यार, काफी सारी वीडियो यहाँ पे बन रखी है। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं मरीन ड्राइव के लिए, और बारिश भी एकदम रुक चुकी है भाई। तो अभी हेलमेट ले लिए है और बस बाइक निकालते हैं और डायरेक्ट चलते हैं भाई यहाँ से मैरीन ड्राइव, और देखते हैं भाई कैसा बनाया गया है उसको। वहाँ पे पूरा पानी जम रखा था, मैंने आपको दिखाया था, और अभी क्या है एकदम बारिश रुक चुकी है और पानी भी वहाँ से सारा कुछ निकल चुका है। शाम का टाइम हो रहा है भाई, और अभी टाइम हो रहा है लगभग 4:45, और हम लोग निकल रहे हैं भाई डायरेक्ट मैरीन ड्राइव के लिए। और आपको अब चलकर उधर का व्यू दिखाते हैं कैसा बनाया, मुझे भी नहीं मालूम, मैं भी फर्स्ट टाइम वहाँ पे जा रहा हूँ। तो आप लोग को टोटल व्यू वहाँ से दिखा चल चुके हैं यार मैरीन ड्राइव के लिए। और भाई रात भर इतनी बारिश हुई है ना, मतलब रात भर बारिश हुई है और सुबह तक बारिश कंटिन्यू भाई होती रही। अभी रोड आपको भीगा भीगा सा दिख रहा होगा, मगर यार मौसम काफ़ी बढ़िया हो चुका है यार। तो अभी निकल रहे हैं भाई मैरीन ड्राइव के लिए। काफ़ी ज़्यादा उस पर वीडियो, इतना वीडियो आ रखा है कि जब भी मैं मोबाइल ऑन कर रहा हूँ ना भाई, उसी का ही वीडियो आ रहा। तो मैंने भी सोचा भाई चलते हैं मैरीन ड्राइव। दरअसल मैं पटना में था भी नहीं, तो इसीलिए मैं वहाँ पे जा नहीं सका। मैं पटना परसों ही पहुँचा था, तो आज मैं निकल रहा हूँ भाई मैरीन ड्राइव के लिए। तो हमारा प्रोग्राम तो सुबह को ही जाने का था, मगर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि हम लोग निकल भी नहीं पाए थे। नहीं गाड़ी में, मेरे बाइक में क्या ही प्रॉब्लम अचानक से आ चुका है, क्या अचानक मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ ना, गाड़ी बढ़ी नहीं रही है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है यार। आप देख सकते हो मैंने पूरा एक्सेलरेटर दिया हुआ और 60 के स्पीड से ऊपर ये नहीं जा रहा। तो पता नहीं अचानक से गाड़ी में भी क्या ही प्रॉब्लम आ चुका है, और एग्जैक्ट 60 के स्पीड पर है ना बाइक एकदम रुक चुकी है। तो पता नहीं यार इसमें क्या हो चुका है अचानक से। और आज क्या ना, सबसे अच्छी बात है ना यार, आज मौसम काफ़ी बढ़िया है, मतलब धूप नहीं, एकदम बादल बादल सा लगा हुआ है, और अभी कभी भी बारिश भी हो सकती है। और भाई अभी अटल पथ पे आ चुके हैं, और ये रोड सीधा मैरीन ड्राइव को कनेक्ट कर दिया गया है। तो अभी हम लोग मरीन ड्राइव की तरफ जा रहे हैं, और ये रोड डायरेक्ट आपको मरीन ड्राइव लेकर चला जाएगा। तो फिलहाल देखते हो भाई उधर का व्यू कैसा है, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है गाइस उधर जाने का। मतलब भाई ऐसा रोड हमारे पटना ही बन चुका है भाई, जो कि खूबसूरत और देखने लायक है। तो फिलहाल देखते हैं भाई, आज बारिश भी काफ़ी हुई है, तो मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि आज गंगा में पानी, मतलब वाटर लेवल भी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। तो यार पता नहीं यहाँ पे किस चीज़ का भीड़ इतना लगा हुआ है यार। देखना तो उतर के, क्या है, क्या हुआ भाई, सब देख रहा है तो हम लोग भी देख रहे हैं। तो पता नहीं यार यहाँ पर क्या हो गया है, पता हाँ सब पे रुक के नहीं जानते हो, इधर से दिख नहीं रहा, यहाँ पे से दिखेगा एक्चुअली हुआ क्या है। तो यार पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ, काफी ज्यादा भीड़ है, और ये अपना गांधी सॉरी जेपी सेतु पुल रहा, तो क्या बना दिया गया यार, एकदम क्या खूबसूरत सा व्यू मिल रहा है दोस्त यहाँ पे। तो मतलब लग ही नहीं रहा कि पटना में आ रखे हैं, मतलब लग नहीं रहा कि पटना में है। अब तभी नया नया खुला भाई, देख सकते हो कितना ज्यादा रश है यार यहाँ पे, और काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पे लगी हुई है यार, और काफी गाड़ियां लगी हुई है। आप देख सकते हो गाड़ियां का रेला लगा हुआ, काफी भीड़ लगी हुई है यार। और मेरे लेफ्ट साइड में यार यहाँ से पूरा गंगा दिखता है,
तो अभी क्या करते हैं ना, थोड़ा सा राइड लेते हैं आगे और फिर आगे से यू टर्न लेकर आएंगे और देखते हैं कि ये रोड पीछे कहां पर जाके कनेक्ट हुआ है। मतलब हर लोग यहां पर रुके हुए हैं यार, फोटो खिंचा रहे हैं, कोई वीडियो शूट कर रहा है भाई। मतलब बता नहीं सकते यार, इतना अच्छा फील हो रहा ना देख कर कि अब अभी मुझे लगता है ना कि नीचे से जाएंगे तो शायद यू टर्न का ऑप्शन हो, तो अभी तो मुझे नहीं लगता है कहीं से यू टर्न है, क्योंकि यार देख सकते हो कि भैया है ना मतलब उल्टा ही बाइक लेके जा रहे हैं यार, रॉन्ग साइड में जाना पड़ेगा कहीं पे। तो गाइस अभी क्या ना थोड़ा सा उल्टा चलेंगे यार, क्योंकि आगे मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे वो होगा, क्या बोलते हैं यू टर्न होगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं उधर उस साइड और उस साइड से आपको आगे का व्यू दिखाते हैं कि भाई उस साइड से कैसा व्यू आता है। तो यार अभी आ चुके हैं भाई मैरीन ड्राइव पर और क्या व्यू है भाई, यहाँ से देख सकते हो आपको वो जेपी सेतु पुल दिख रहा है भाई और इस साइड पूरा गंगा और काफ़ी खूबसूरत सा व्यू बनाया गया दोस्त। तो इतना मज़ा आ रहा है ये चिल करने के लिए, एकदम बहुत खूबसूरत सा जगह मिल गया भाई। और जिसको बाइक राइड करना है या कार राइड करना है भाई, ये रोड इतना खूबसूरत बना दिया गया है कि आप बिलीव नहीं कर सकते, जब आओगे ना भाई तो दिल खुश हो जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं उस साइड और उस साइड जाकर देखते हैं कि उधर से क्या व्यू हम लोग को मिलने वाला है। और यहाँ पर अपनी बाइक अभी लगी हुई, तो थोड़ा दूर अभी रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा क्योंकि आगे यू टर्न कहीं नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम इधर पर आया था। तो अभी सब तो यार देख सकते हो भाई कितना लोग यहाँ पर आया हुआ है यार मैरीन ड्राइव पर घूमने के लिए, और काफ़ी बढ़िया सा रोड बना गया यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को तो यार, लिटरली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पता नहीं आप लोग को अभी कैसा व्यू मिल रहा है यहाँ से देख के, तो पता नहीं जब यहाँ पे आओगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा भाई। पटना में पहली बार कुछ ऐसा हुआ इंटरेस्टिंग चीज़ कि जहाँ पर आप आओगे ना एकदम दिल खुश हो जाएगा यार यहाँ पे आके। तो अभी कोशिश करते हैं ना उस वाले पुल पर चलते हैं और वहाँ से एक बढ़िया सा फ़ोटो निकालते हैं गाइस, और ऊपर चलकर देखते हैं कि वहाँ से कैसा व्यू मिलता है अपने मरीन ड्राइव का। तो अभी बाइक को लगाते हैं कहीं साइड में और अभी चलते हैं भाई ऊपर। अभी आ चुके हैं भाई इस वाले पुल पर, जेपी से तो पुल पे, और ऊपर रोडवेज है भाई और इधर से पूरा रेलवे लाइन है जो देख सकते हो भाई यहाँ से, और कुछ इस तरह का व्यू गाइस यहाँ से मिल रहा है भाई। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर यार, कितने लोग यहाँ पर आ रखे हैं घूमने के लिए आप देख सकते हो भाई, और क्या नज़ारा है यार। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि यहाँ पे जो मौसम है ना, मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो चुका है, एकदम हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी यार। और हमारे जस्ट बगल में भाई रेलवे सॉरी गंगा नदी है और ये रहा अपना मरीन ड्राइव। तो भाई आप यहाँ पे और आने के बाद चिल करो, एकदम मस्त व्यू यार, काफ़ी बढ़िया सा नज़ारा है। और इस साइड भी आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा व्यू मिल रहा है यार यहाँ से। तो फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ देर रुकते हैं और उसके बाद निकलने का प्रोग्राम है यहाँ। दिखाते हैं भाई, देख सकते हो यार गाइस यहाँ से ट्रेन पार हो रही है भाई। मजेदार व्यू है गाइस यहाँ पे, आप आके ट्रेन का भी व्यू ले सकते हो यार, काफी बढ़िया सा व्यू मिलता है यार। और ये रहा सामने अटल पर, और यहाँ से ट्रेन जाके गाइस तो अभी यहाँ खड़ा होकर दिखाते हैं भाई कितना लंबा पुल है सकते हो भाई। जैसे जैसे शाम बढ़ रही है ना यार, वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी बढ़ रहा है, और अभी भी थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाले एरिया में पूरा फुटपाथ को बनाया जा रहा है लोगों को चलने के लिए, और भाई देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ लगी और कितने लोग यहाँ पर गाइज आए हुए हो। तो फिलहाल हम लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं यार, काफ़ी टाइम हो चुका है और धीरे धीरे शाम भी हो रहा भाई, तो अभी 5 बजने वाला है। और जैसे जैसे शाम हो रहा लोगों की भीड़ इधर की ओर आ रही है, काफ़ी खूबसूरत सा जगह बनाया है और काफ़ी बढ़िया से लोग हैं। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, बाइक अपनी वहाँ पर लगी हुई है और उस साइड से भाई अभी उधर को जाएंगे। उधर का एरिया भी मैंने नहीं देखा है क्योंकि बहुत दिन से मैं इधर नहीं आया, तो देखते हैं उधर का रोड का क्या सीन है और कैसा उधर बनाया गया। तो फिलहाल चलते हैं बाइक को लेके अभी उस साइड। यहाँ से निकल रहे हैं भाई और थोड़ा सा आगे का व्यू दिखाते हैं भाई कि आगे का जो व्यू है ना वो कैसा व्यू है भाई। तो अभी आ चुके हैं यार इधर, और क्या ही रोड बनाया गया। ये पथ आपको डायरेक्ट दानापुर नेहरू पथ तक चला जाएगा, और पाटलिपुत्र जंक्शन भी जाना तो आप इधर से जा सकते हो। तो हम चलने वाले सीधे से भाई इधर से भी हो के आप जा सकते हो, दोनों रोड आगे जाके कनेक्ट हो जाता है। तो इधर भी लोग काफ़ी घूमते फिरते आ चुके हैं भाई, मगर ये वाला रोड है ना यहाँ तक मैं जब भी लास्ट टाइम आया था तो ये वाला रोड नहीं बना हुआ था भाई, बस यहीं तक रोड बना हुआ था।
तो अभी काफ़ी दिन बाद मैं इधर आया भाई, और क्या ही सीन मिला, एकदम मज़ा आ गया जो भी बोलो यार। और ये वाला रोड तो काफ़ी पुराना बना हुआ है, यहाँ पे तो मैं पहले भी आ रखा हूँ। तो जब मैं लास्ट टाइम आया था तो इस वाले एरिया में लोग काफ़ी भीड़ लगा करते थे, मगर अभी इधर से ज़्यादा भीड़ अभी उधर को हो रही है भाई। और ये रहा गंगा, और सामने जब सूरज का उस पर रोशनी पड़ रहा है तो पूरा पानी जो है ना भाई मोतियों की तरह चमक रहा है। तो भाई इधर तो मैं काफ़ी टाइम आया हूँ, तो इधर से भाई चलते हैं फिर वापस घर के लिए। और जैसा कि मैं बता रहा था, अगर मैं उस वाले रोड से आता भाई तो इस वाले रोड में कनेक्ट होता, और उधर से अभी मैं घूम कर आया था। और ये भी अंडर पास जो है ना चार, अभी यहाँ पे क्या बोल, काफ़ी बढ़िया सा इसको भी बना दिया गया है, पहले तो नॉर्मल सा ही था। तो मुझे याद है मैं इस साइड जब आया करता था ना तो ये रोड नहीं था, और ये रोड कच्चा रास्ता बना था भाई, और यहाँ से आकर उधर से उतर के गंगा के साइड जाते थे। तो वो उस टाइम का रोड ऐसा था, और अभी तो एकदम पूरा समझो बदल दी किया गया है, काफ़ी बढ़िया सा बना दिया गया है। और मेरे पुराने वीडियो में आप देखोगे ना तो मैं इधर से भी आता था, और ये कच्चा रोड था, मतलब यहाँ पे रोड था ही नहीं, बस ऐसे ही बनाया था रास्ता नॉर्मली, और यहाँ से उतर के भाई गंगा के साइड जाते थे। मगर अभी तो पूरा बदल दिया गया सीन, और इधर तो भाई भीड़ बढ़ता ही चला जा रहा है, इतना भीड़ हो चुका है, देख सकते हो कि कितना लोग घूमने के लिए आ रखे हैं भाई। जैसे हम आए वैसे काफ़ी लोग भी आए भाई यहाँ पे मज़ा लेने के लिए शाम का। भाई जैसे जैसे शाम हो रही है ना वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। तो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से डायरेक्ट घर के लिए। यार अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे पुलिस की गाड़ी भी दी गई है भाई, कि थोड़ा भीड़ ना बढ़े, लोग थोड़ा सा रोड को कंजस्टेड ना कर दे, तो इसीलिए यहाँ पे पुलिस लोग भी लगे हुए। तो गाइस इस वाले वीडियो को यहीं पर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।